ठीक है। अब जो मेन रोग है अपने एरिया का या है जो इसका, वो है कपास का पत्ता मरोड़ रोग, जो है लीफ कर्ल डिजीज। मैंने आपको बताया रूट रॉट, फिर बताया मैंने आपको विल्ट, वो कौन सी थी, फंगस थी। इससे पहले बताई मैंने आपको बैक्टीरियल ब्लाइट। अब ये जो रोग है, ये जो लीफ कर्ल रोग है, ये है वायरल रोग है, विषाणु रोग है, ठीक है, पत्ता मरोड़ रोग। और नॉर्थ इंडिया का वन ऑफ द इम्पोर्टेंट डिजीज है, जो कि आपको करीब करीब अमेरिकन कपास और अमेरिकन बीटी कपास की जितनी भी किस्म है सब में इस रोग का आक्रमण होता है, ठीक है। रोग कारक है इसका, और रोग कारक और रोग भाग, देखिए अभी कोई भी वायरस डिजीज, कोई भी वायरस अपने आप एक पौधे से दूसरे पौधे में नहीं जाएगा जब तक कि उसके लिए वेक्टर नहीं है, ठीक है। तो रोग कारक इस पत्ता मरोड़ का क्या है, वो है जैमिनी नाम का एक विषाणु है, वो इसका रोग कारक है। और ये जैमिनी विषाणु जो है वो मोनोपायराइट सिंगल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए जीनोम तथा दो सैटेलाइट डीएनए बीटा से मिलकर बना रहा है, ठीक है। और ये रोग जो है ये ना तो बीज जनित है ना मर्दा जनित है, आप याद रखें, ये रोग जो है ना तो सीड बोर्न है ना सोयल बोर्न है। और एक पौधे से दूसरे पौधे में जो वायरस है वो सफेद मक्खी के द्वारा फैलाया जाता है, यानी व्हाइट फ्लाई जो है वो एज ए वेक्टर वर्क करती है इसमें कॉटन लीफ कर्ल वायरस में। अब इस कॉटन लीफ कर्ल वायरस का क्लासिफिकेशन की बात करते हैं, तो इसका ग्रुप सेकंड है, ग्रुप कौन सा है इसका, सेकंड। और फैमिली कौन सी है इसकी, जैमिनी वायरिडी, जैमिने वेरिडी, ठीक है। और जीनस कौन सा है इसका, बेगोमो वायरस, कौन सा है, बेगोमो वायरस। स्पेसिस कौन सी है इसकी, कॉटन लीफ कर्ल वायरस, ओके। अब इसके रोग के लक्षण देखिए आप, रोग के लक्षण सबसे पहले क्या होगा, इस रोग में पत्तियों की शिराएं फूल कर वो उभर जाती हैं और उनका जो रंग है वो गहरे रंग का हो जाता है। और प्रभावित पौधे को पत्तियां उखाड़ के आप देखें, सूर्य के प्रकाश में सीध रख के देखें, आप सामने रख के देखें, तो आपकी जो शिराएं हैं पर्ज की पत्तियों शिराएं हैं वो आपको उभरी हुई और गहरे हरे रंग की दिखाई देगी, ठीक है। और जैसे जैसे रोग का प्रकोप बढ़ता है पत्तियों के निचली सतह पे क्या होगा, बहुत इंपॉर्टेंट करेक्टर देखिए आप, पत्तियों के निचली सतह पे है उस पे कप के आकार की एक आकृति और बन जाती है, जिसे बोलते हैं इनेशंस, इनेशंस। और पत्तियों का जो रंग है वो गहरा हरा हो जाएगा और वो कठोर हो जाएंगी, सख्त हो जाएंगी, जैसे कि चमड़ा होता है वैसे हो जाएंगी। और पत्तियां क्या, या तो डिजीज लीफ या तो ऊपर की ओर मुड़ जाएंगी या नीचे की ओर मुड़ जाएंगी। पौधों का आकार है वो बोना हो जाएगा, शाखाएं फूल और टिंडे वो बहुत कम लगेंगे, और इसलिए पैदावार पे और इसकी जो क्वालिटी है गुणवत्ता दोनों पे प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। अब वैकल्पिक पौधे कौन से, अल्टरनेट होस्ट कौन से, देखिए आप इस किसी भी वायरस डिजीज में अल्टरनेट होस्ट है वो बहुत इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है अपना, क्योंकि अल्टरनेट होस्ट के द्वारा ही पौधा जो है रोग जो है वो ऑफ सीजन में सरवाइव करता है। तो जितने भी जंगली पौधे हैं कपास के चारों तरफ होते उगते हैं, जैसे हिरणखुरी है, आसकंद है, जंगली सूरजमुखी है, बथुआ है, खरबथुआ है, साठा है, गोखरू है, भिंडी है, जंगली मिर्च है, टमाटर है, ये सब इसके अल्टरनेट होस्ट हैं लीफ कर्ल डिजीज के, ठीक है। अब बात करते हैं इसमें अपन नेक्स्ट जो इसके लिए बात करेंगे लीफ कर्ल की, तो उसमें इसका अब आता है इसका मेन रोग प्रबंधन। देखिए रोग प्रबंधन, देखिए वायरस डिजीज एक ऐसी है वायरस को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, ठीक है ना। तो हमें क्या करना है कि रोग को मैनेज करना है, मैनेज कैसे करना है भाई, किसके द्वारा रोग फैल रहा है,
कौन रोग को फैला रहा है, इन चीजों को कंट्रोल करना है। तो पहली बात हमें क्या करनी है कि गेहूं की फसल कटाई के बाद आपके खेत के चारों तरफ या सड़क के किनारे या किन्नू के बाग हैं, उनके चारों तरफ जितने भी आपके खरपतवार हैं उनको उखाड़कर नष्ट कर दें, क्योंकि कपास काटने के बाद वायरस जो है वो इन्हीं खरपतवारों पे जाके पनपता है। ठीक है, किन्नू बाग के पास अमेरिकन कपास की बुआई अब कभी नहीं करनी चाहिए, बहुत इम्पोर्टेंट कंट्रोल मेजर है इसमें। दूसरी बात याद रखनी है कि जो भिंडी और दूसरी मालवेसी फैमिली के जितने पौधे हैं उनको अमेरिकन कपास के आसपास नहीं लगाना चाहिए। ठीक है, अब सफेद मक्खी को कंट्रोल करना है, क्योंकि सफेद मक्खी जो है वो एज ए वेक्टर एक्ट कर रही है इस रोग को फैलाने में, तो हमें सफेद मक्खी को रोकना है, कंट्रोल करना है। उसके लिए आपको पेस्टिसाइड का स्प्रे करना पड़ेगा। उसके लिए सब प्रारंभिक अवस्था में बचाने के लिए आप क्या करेंगे, इमिडा क्लोरोपिड 70WS या थायामेथोक्साम 70WPS की 4 से 5 ग्राम प्रति किलो बीज की मात्रा से उपचारित करें। यानी इनिशियल स्टेज में डिजीज को बचाने के लिए, डिजीज से बचने के लिए आपको सीड ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, और सीड ट्रीटमेंट के लिए आप मिडाक्लोरोपिड या थायामेथोक्साम कोई भी यूज कर सकते हैं। मात्रा कितनी होगी, 4 से 5 ग्राम प्रति किलो बीज की दर से। ठीक है, ये आपने प्राइमरी इन्फेक्शन चेक करेंगे आप। फिर करेंगे मई का जो पहला पखवाड़ा है उसको आप बुआई कर लें तब तक, और सिंचाई जो है वो समय पे करनी है आप। ठीक है, और सफेद मक्खी की संख्या को कम करना है आप खेत में, क्योंकि सफेद मक्खी फैला रही है खेत को, इसको बीमारी को, तो उसके लिए खेत के चारों तरफ क्या पीला चिपचिपा परपंच 8 से 12 प्रति बीघा की दर से, जो इसका इसका फेवरेबल पीरियड होता है व्हाइट फ्लाई डेवलपमेंट का, आप लगाएं। ठीक है, येलो स्ट्रिप आती है पीला परपंच, वो आपके खेत को चार पत्तर लगानी पड़ेगी आपको 8 से 12 प्रति बीघा की दर से। और कपास के प्रारंभिक बढ़वार अवस्था में आपको मक्खी से बचाना है तो उसके लिए आप कर सकते हैं नीम का तेल 500 मिलीलीटर, तरल साबुन 100 मिलीलीटर, इन दोनों को मिला के 100 लीटर पानी में घोल के आप छिड़काव करें। ठीक है, यानी 100 लीटर पानी में 500 ml नीम का तेल, 100 ml तरल साबुन, ये आप घोल का छिड़काव करें, तो इसमें प्रारंभिक अवस्था में कीट की शिवायत की रोकथाम होगी। और बाद में आपको जो सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड है उनका छिड़काव करना पड़ेगा। उसके लिए केमिकल हैं जैसे एसिटामिपिड है 20 SP, इसकी मात्रा 40 ml, या इमिडा क्लोरोपिड ले सकते हैं आप 17.8 SL कंसंट्रेशन का आता है, इसकी मात्रा 33 ml ले सकते हैं आप, या थायामेथोक्साम ले सकते हैं 25WUG का, इसकी मात्रा होगी 50 ml, या मिथाइल डिमेटोन भी ले सकते हैं 25 cc का, इसकी होगी मात्रा 200 ml, या ट्राइजोफोस ले सकते हैं 40 cc वाला, इसकी मात्रा होगी 250 ml। इन सबको कोई भी मिल जाए इनमें इसको, इनको 100 लीटर पानी में आपको घोल के छिड़काव करना है। कोई भी, सभी नहीं, कोई इन सब में कोई भी आप इस पे कर सकते हैं। ठीक है, और 10 से 12 दिन बाद इस छिड़काव को आप दोहराइए। आप कपास के प्रारंभिक और मध्य अवस्था में सफेद मक्खी के जो नुकसान हो रहा है उसके बचाने के लिए ये दोनों आपको स्प्रे करने पड़ेंगे। यानी प्रारंभिक अवस्था में तो आपको करने पड़ेंगे नीम के वाला, और सेकेंडरी अवस्था में आप जो आ रहे हैं सेकेंडरी स्टेज में, उसमें आपको सिस्टमिक इंसेक्टिसाइड का स्प्रे करना पड़ेगा। तो ये कपास के मुख्य रोग थे। ठीक है।